नाम किसका? परमात्मा का। हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाई कौन ज्योतर चित्र कामकारों कर्मचारी अधिकारियों सेवकारों और छात्रों बहुत ही ध्यान से एक एक बात को आप सुनेंगे। सब लोगों का ध्यान हमारी तरफ रहे, तब आपके बहुत कुछ चीजें पल्ले पड़ जाएंगी। ये जो कार्यक्रम आपके सामने इस मैदान में हो रहा है, ये भूम ज्योतिष क्षेत्र का कार संगठन सम्मेलन, साथ ही साथ में इसमें इसके साथ इस सेवा के साथ में भर मानव धर्म और आध्यात्मिक इन दोनों धर्मों की हम सभी को सब जगह जरूरत है और रहेगी। बिना इसके मानव धर्म के और आध्यात्मिक धर्म के न तो घर चलेगा, न दुकान चलेगी, न कारखाने, न दफ्तर चलेंगे, न खेती चलेगी, न व्यवहार होगा। मानव धर्म की अति जरूरत है। हम सभी लोगों ने मानव धर्म का प्रचार इस समय कर दिया। क्यों हमने किया मानव धर्म का प्रचार? कि हमारी अंदर की इच्छाएं की जाती, हम लोभी और कामी बना दिए जाए। इतनी इच्छाएं जगह दिख रही कि आप अपना हो कमा जब तुम्हारा होती नहीं रहेगा अपने साथ तो कामी लोभी लालची मोही चारों धर्म समाप्त हो जाएगा। हमारे देश के क्रिकेट होम जो तक क्रिकेट का स्थान इत्यादि थे, सभी लोग उसकी कामना करते हैं। इनका अंग पवित्र है, इनका धन पवित्र है, ये पवित्र है। जो इनका अंग सेवन करेगा मन बुद्धि पवित्र हो जाएगा। होम ज्योतर परिश्रम अन्न से लोग भगवान का भजन करेंगे। ये सब की इच्छाएं होती थी कि हमारे देश का प्रश्न का स्थान ये शुद्ध और पवित्र। वैसे सब यह है, हकीकत यह है, इससे बड़ा और कोई त्याग नहीं। अगर इनको वास्तव में जब से आजादी मिली इनको रास्ता दिखा दिया जाता, उस पर चला दिया जाता, तो सोच सताने में तो आजादी आपको मिल गई, लेकिन वो सोरी सताता होता रहा। शांति से हम लोगों के लिए कोई विचार नहीं हो पाया। हम किस अवस्था में थे, हम क्या चाहते थे, हमारा देश क्या था, मानव में क्या चीजें थी, हमारा देश धार्मिक था, हमारा देश ज्ञानी था, सपिष्टि था, सत्यवादी था, उदार था, दयावान था, एक दूसरे की इमदाद मदद करते थे, बहू बेटी की पहचान होती थी। चाहे कोई भी आदमी हो, खराब से खराब हो, लेकिन वो भी नहीं चाहेगा कि मेरी बहू बेटी की बेटी हो। दूसरों का कोई भी अपमान करता हो, लेकिन खुद ये नहीं चाहेगा मेरा अपमान हो जाए। लेकिन ये सब हमारे देश में ये सब नीतियां थी जो मानव में खून की तरह से बरसती थी और सबको सब चीजें मानव से मिलती थी।
शांति मिलती थी, प्रेम मिलता था, दया मिलती थी, सेवा मिलती थी, आदर मिलता था, नाम का जप होता था, कीर्ति होती थी, ब्राह्मणों को अलग, शक्तियों का अलग, छोटों का अलग, सेवा करने को सब यथाउचित सबको अपना अपना स्थान मिलता था और सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का सब पालन करते थे, लेकिन थोड़े ही लोग और लालच के आंगन से शायद आगे कुछ बन जाएंगे। अरे उनको तो ये देखना चाहिए जो राजा बने थे, जमींदार बने थे, जागीरदार बने थे, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी, वो राज भी ले लिया, जमीन भी ले ली, जागीरदार भी ले ली, ये सब कुछ ले लिया। तो तुम जब ये देख रहे थे तो तुमको ये मालूम नहीं था कि मेरी जमीनों का भी बंटवारा हो जाए। तुम इतना नहीं एक सके, इतना जान नहीं सके, और लालच बना और लालच बुरी बना। तो लालच में आ गए, एक बुरी बला है, ये तो लालच एक भूत है जो घेर लिया तो बस बस है, फिर कोई निकालने वाला नहीं। तो ये देश की जो निर्माण व्यवस्था थी, हमारे देश की मानवता की, वो तो हुई है, बाकी पता नहीं क्या हो रहा। ये बैठे हुए हैं, किसी शहर में जाइए, चाहे कलकत्ते में, चाहे बंबई में, चाहे दिल्ली में, चाहे किसी में, चाहे जौनपुर में, कितनी फैक्ट्रियां लगाई गई, उसमें से 75 से 80 से बंद है और बाकी कभी भी चलती है, कभी नहीं चलती। इतना धन खर्च किया, इतना समय खर्च किया, इतना लोगों को लगाया, इतना ये सब किया, ये सब चाहे दिल्ली जाओ कहीं कहीं जाओ, बड़े बड़े कारखाने बंद, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद, थोड़ा ये बंद हो, आगे आप खोलते जाओगे, पीछे की बिल्कुल एकदम से गिराते चले जाओगे, तो आखिर में इनका क्या होगा? ये जो बैठे ये कब तक सफर किए रहे, इस पर किसी ने विचार नहीं किया कि भाई आवाज की हमारी चीज है, ये सब फैक्ट्रियां हमारी है, रेलें हमारी है, बसें हमारी है, दुकानें हमारी है, ये स्कूल हमारे हैं, छात्र हमारे हैं, ये जितने दफ्तर हैं, कर्मचारी अधिकारी हमारे हैं, तो हमको इनके साथ और इनको हमारे साथ में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? लालच में आप होते हैं उसका ये याद आ और ये देख रहे हो अब जो कार्यक्रम है ये अखबार और रेडियो से इकट्ठा नहीं होता, मैं इसको कोई करता, ये सारी ताकत लगा दी जाए, आज 5-7 दिन से मैं आ रहा हुआ हूँ, सारी ताकत लगा दी जाए तब भी आदमी यहाँ नहीं पड़ता। ये ठंडी में कम से कम यही अनुभव कर, इतनी ठंडी पड़ती है, इतना मैदान है, यहाँ लोग आए हुए बाल बच्चों के साथ में और ये चले आ रहे हैं, और रात को मतलब ये इसी पर कम से कम विचार करो, लेकिन वो भी विचार तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर सब लोग अपनी अपनी जगह को समझने लगे तो एक दूसरे से एक दूसरे की जो जरूरी चीजें हैं, आवश्यक हैं, वो सब चीजें मिल जाए। लेकिन जब आप अपनी जरूरत की चीजों को स्वयं नहीं समझोगे तो कोई चीज मिलने जुलने वाली सब के सब हैरान है, परेशान है। तो ये है जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कोई इसको ज्यादा दिन नहीं है। अभी तो मैं बड़े बड़े कार्यक्रम करता रहता हूँ, रेडियो अखबार में तो मेरे कोई कार्यक्रम आते नहीं है, और मैं उसकी जरूरत भी कुछ नहीं समझता हूँ, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने को मैंने देखा था, जब सत्याग्रह शुरू हुआ था तो उस समय जो कोई रेडियो और अखबार काम करते नहीं थे, वो तो ये सब नहीं, तो 3 साल तक मैंने खुद देखा, वो तो मैं पूरा भुक्तभोगी हूँ, पहले का जमाना देखा, ये देखा, तो उस समय पर आजादी तो कोई रेडियो अखबार दिख ही नहीं, तो मैं तो उसको बिल्कुल एकदम से चढ़ करके पकड़े हुए हूँ कि आजादी रेडियो अखबारों से नहीं। कोई भी परिवर्तन सामाजिक हो या मतलब है कोई परिवर्तन हो, वो रेडियो अखबारों से परिवर्तन है, और तो मनुष्य के अंदर की एक ऐसी चीज है जिससे वहां पर परिवर्तन होता है, उसकी हकीकत, उसकी अक्लियत, उसको लोग जानते हैं।
अब लोगों ने कुछ नहीं समझा, जो आएगा बस तोड़ दो, सड़क तोड़ दो, पुल तोड़ दो, ये तोड़ दो, कारखाना तोड़ दो, सरकारी मार दो, स्कूल तोड़ दो बच्चों को। आखिर में 40 साल लगभग हो गए ये सब कुछ देखते हुए बड़ा विनाश था। शायद ऐसा अंग्रेज इस विनाश को स्वीकार कभी नहीं था इस तरह का। और आपको अधिकार मिल गया, आपको आजादी मिल गई, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, सब कुछ आपके हाथ में आ गया, तो आपने ये सब क्यों अपना किया?